हरे कृष्णा। लोग कहते हैं कि भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये घर बार छोड़ना पड़ेगा, पैसा छोड़ना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं। अर्जुन ने क्या छोड़ा था? अर्जुन तो छोड़ के जंगल जा रहा था, पर भगवान ने उसको मना कर दिया। भगवान ने उसको कहा कि मेरे निर्देशानुसार कार्य करो। तो हमें भी भगवान के निर्देशानुसार ही कार्य करना चाहिए, छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। हमें भगवान के निर्देशों को अपने जीवन में जोड़ना है, योग करना है, छोड़ना नहीं। छोड़ना उन चीजों को है जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है। अब शराब की क्या जरूरत है जीवन जीने के लिए? सिगरेट पीने की क्या जरूरत है जीवन जीने के लिए? एक सादा जीवन, उच्च विचार, ये जीवन आपको जीना चाहिए। तो उसको जीने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, है ना? घर बार क्यों छोड़ना? आप अपने घर में सब मिलके प्रैक्टिस करिए, सब मिलके भक्ति करिए, भगवद गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए। क्योंकि जब सब मिलके करते हैं तो उसका फल बहुत गुना बढ़ जाता है। भगवान के नामों का जाप करो एक साथ बैठ के, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की आरती करो सब मिलके, भगवद गीता पढ़ो एक साथ मिलके पढ़ो, एक पढ़ो दूसरे दूसरा सुनो। givegita.com पे जाओ, अपने घर में टीवी है होगा, आपके घर में टीवी होगा, सब कुछ है, स्क्रीन पे givegita.com खोलो और 13 घंटे का भगवद गीता का एक कोर्स सुनो। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जीवन में जोड़ना है। भगवान को जोड़ लो, बेकार की चीजें अपने आप छूट जाएंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन और दुर्योधन महाभारत के युद्ध से पहले एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या इच्छा है आपकी? दुर्योधन ने जवाब दिया कि हे कृष्ण, मुझे आपकी सारी सेना चाहिए, आपकी सेना चाहिए मुझे युद्ध करने के लिए। तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सेना दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, मुझे तो केवल आपकी आवश्यकता है भगवान श्री कृष्ण, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहोगे मैं खुश रहूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आपका सारथी बन जाता हूँ। अब दुर्योधन के पास तो सारी सेना थी भगवान की, पर उस सारी सेना होने के बावजूद भी दुर्योधन हार गया और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास थे, अर्जुन जीत गया। तो आप क्या मांगते हैं भगवान से? आप दुर्योधन की तरह ये माया ही मांगते रहेंगे अगर भगवान से, तो आपकी जीवन में बार बार हार होती रहेगी। अगर आप जीवन में जीतना चाहते हैं तो आपको अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण को मांगना पड़ेगा, तो अपने आप आपकी जीत हो जाएगी। तो आप भगवान से भगवान को ही मांगो, भगवान की ही भक्ति मांगो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जीत होनी पक्की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर कोई व्यक्ति भूखा हो और हम उसको कहें कि चल तू ये कपड़े ले ले, तू ये रजाई ले ले, तू ये कंबल ले ले, क्या उसकी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। अगर किसी मछली को पानी से बाहर निकलने का निर्देश दिया जाए और कहा जाए कि तेरे को बड़े बड़े बंगले बना के देंगे, तो क्या वो मछली सुखी हो जाएगी? नहीं होगी, वो मर जाएगी। परंतु आज तो ऐसा ही हो रहा है, हम आत्माएं, हम ये शरीर नहीं है, और आत्मा की भूख कृष्ण भक्ति है, राम भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण राम जी की, विष्णु जी की भक्ति इसकी भूख मिटाती है। परंतु हम इसको वो नहीं दे रहे हैं, और बाकी सारे संसार में सारा प्रपंच कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, सब कुछ दिया जा रहा है, केवल कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों इस आत्मा को मार रहे हैं, अंदर ही अंदर दबा रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप सबसे प्रार्थना है कि इस तरह का माहौल बनाइए पूरे देश में, पूरे हर जगह इस तरह का माहौल बनाइए जहां पे आत्मा आराम से रहकर भक्ति कर सके। इस तरह की माया चारों तरफ मत फैलाइए जहां आत्मा को बहुत असुविधा हो। आप इस शरीर की सुविधा के लिए तो कार्य कर रहे हैं, परंतु इस आत्मा की सुविधा के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे। हर व्यक्ति जो वो लीडर है आज, उससे मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके ऐसी सुविधा करिए कि आत्मा की भूख मिट सके, शरीर की तो मिट ही जाएगी। हरे कृष्णा।